ये आरटीवी एम्पायर अभी तो ग्रो कर रहा है, ठीक ठाक स्पीड से ग्रो कर रहा है, उतना तो नहीं है पर हाँ एक अच्छा खासा स्पीड से ग्रो कर रहा है। ई स्पोर्ट्स में ऑल ओवर इंडिया बहुत बढ़ेगा, ये पता हमको पता है। ट्रेनिंग तो देखिए हम अपना अलायंस मेट्स के साथ कर लेते हैं, और जो बहुत सारा कंपटीटर्स जो कम्पीट कर रहा है उसी के साथ हम ट्रेनिंग कर लेते हैं, 10-15 मैचेस खेल लेते हैं, वही ट्रेनिंग हो जाता है। डेक समझ लेते हैं किस तरह कब क्या इस्तेमाल करना है, कहाँ कॉम्बिनेशन कैसे करना है, कैसे साइलेंट अटैक करना है, कैसे वॉयलेंट अटैक करना है, कैसे हिडन अटैक करना है, कैसे डिफेंस करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है डिफेंस करना भी। वो सब तो अपना शेड्यूल है, मतलब इतना से इतना ये करना है, फिर इतना से इतना ये करना है, वो तो शेड्यूल टाइट है, थोड़ा थोड़ा मैनेज करना पड़ता है पर हो जाता है। मेरा टूर्नामेंट अब तक मेरे लिए तो अच्छा ही गया है, जहाँ जितना सोचे थे उतना हम अचीव कर पाए हैं। मैनेजमेंट तो देखिए ओवरऑल बहुत अच्छा रहा है, जहाँ तक है हर एक टाइम का अप्रोच आता करता। एक बार तो ऐसा हुआ था कि राउंड 32 में हमको पता ही नहीं था सेम डे राउंड 32 होगा, हम छोड़ दिए तो देखते हैं मेरा मैच मिस हो गया, बाद में पता चल रहा है कि राउंड 32 उसी दिन हो रहा है, तो फिर हम जैसे तैसे कॉन्टैक्ट किया एडमिन को, जस्ट समवन कोई एडमिन था, फिर वो वापस मेरा मैच कराया, और स्पोर्ट्समैनशिप भी अच्छा दिखाया कि वहाँ मेरे से राउंड 32 में होने वो रेडी कर लिया मैच के लिए, वरना हम राउंड 32 में ही बाहर हो जाते। फिलहाल तो कल का मैच जो सागा के अगेंस्ट है वही बहुत टफ होने वाला है, इतना हमको पता है, सागा भी अच्छा से जानता है, हम भी उसको अच्छा से जानते हैं, हम दोनों क्योंकि प्रैक्टिस करते हैं तो दोनों अच्छा से एक दूसरे का डेक उक सब जानता है। फिलहाल टफेस्ट अगर पूछेंगे तो ऑल माइट फेरोसिटी ही होगा।